हाय एवरीवन, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच आईपीएल का ये फाइनल मैच है और ये मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद में मैच होने वाला है। इस ग्राउंड पे गुजरात की तरफ से शुभम गिल, मोहम्मद शमी, राशिद खान, मोहित शर्मा, ये सभी प्लेयर का काफ़ी गजब का परफॉर्म रहता है। लास्ट के 3 मैच में शुभम गिल लगातार शतक मारते आ रहे हैं इस ग्राउंड पे, इसीलिए ये ग्राउंड गुजरात को ज़्यादा सपोर्ट है और ये मैच भी गुजरात के फेवर में ही रहेंगे। वैसे इस मैच में आपको एक एक प्लेयर के फुल स्टैट एनालिसिस, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की विनिंग टिप्स एंड टीम देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में बेहतर रैंक लाकर अच्छा खासा अमाउंट को विन कर सकते हो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना और साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहां टॉस के बाद फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम मिलती है और कोई भी न्यूज़ अपडेट आते हैं तो यहां बता दिया जाता है। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा, वहां से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। तो ये मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद में मैच होने वाला है। यहाँ पे आईपीएल के 27 मैच खेले गए हैं। फर्स्ट बैटिंग करने वाले 13 और सेकंड बैटिंग करने वाले 13 मैच को विन किए हैं। तो बैलेंस है, टॉस उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन लास्ट के कुछ मैच खेले गए हैं, लास्ट के 5 मैच का रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो ज़्यादातर जो टीम पहले बैटिंग किए हैं वही मैच को विन किए हैं। वैसे ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, 180 का एवरेज स्कोर है, लास्ट के कुछ मैच में बने हैं 200 प्लस भी रन बने हैं, जबकि ऑल ओवर मैच का एवरेज स्कोर 160 का है। लास्ट के मैच में जो गुजरात की टीम पहले बैटिंग करके 233 रन खड़ा किए थे मुंबई के खिलाफ इसी ग्राउंड पे, जो कि इनका 3 ही विकेट गिरा था, और जो लो स्कोर मैच है 102 का, जो कि पूरी टीम ऑल आउट हो चुके हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बिलो 150 7 बार बने हैं, और 150 से 170 6 बार, और 170 से 190 8 बार, और 190 प्लस 6 बार बने हैं। तो ठीक ठाक यहां पे रन बन जाते हैं। लास्ट के 5 मैच में 180 प्लस ही रन बन रहे हैं, कई सारे मैच में 200 प्लस रन भी बने हैं। तो यहां पे आपको अगर बॉलिंग अटैकिंग की बात करें तो फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिलते हैं, स्पिनर को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर भी मिल जाते हैं, बीच में 1-2 विकेट मिल जाते हैं, तो स्पिनर उतना ज़्यादा फेवरेट नहीं रहेंगे, पेसर को ही ज़्यादातर विकेट मिलता है, बाकी बॉलर का आप कंडीशन देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट के मैच की बात करें तो यहाँ पे लास्ट मैच जो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला गया है मुंबई के खिलाफ, गुजरात की टीम पहले बैटिंग करके 3 विकेट पर 233 रन मारे थे, मुंबई की टीम चेस करने में 171 ही रन बना पाए और इनकी टीम पूरी ऑल आउट हो गए थे, जबकि यहाँ पे पेसर को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिला था और सेकेंड इनिंग में 8 विकेट, जबकि स्पिनर को 1 ही विकेट मिला था फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 2 ही विकेट मिला था। उससे पहले गुजरात और हैदराबाद के बीच मैच हुआ था, गुजरात की टीम पहले बैटिंग करके 9 विकेट पर 188 रन बनाए थे, हैदराबाद की टीम चेस करने में 154 पे इनका 9 विकेट गिर गया था, जबकि यहां पे फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट और सेकंड इनिंग में 9 विकेट पेसर को मिला था, स्पिनर को फर्स्ट और सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिला था। उससे पहले गुजरात और लखनऊ के बीच मैच हुआ था, यहां पे भी 270 का एक बड़ा स्कोर खड़ा किए थे सिर्फ 2 विकेट पर, जबकि लखनऊ की टीम चेस करने में 171 पे इनका 7 विकेट गिर गया था और यहां पे भी पेसर को 7 विकेट और स्पिनर को 2 ही विकेट मिला है। उससे पहले दिल्ली और गुजरात के बीच मैच हुआ था, तो यहाँ पे जो दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करके 130 ही रन बना पाए, जबकि गुजरात की टीम चेस करने में 125 ही रन बना पाए 6 विकेट पर, और इस मैच को गुजरात की टीम लॉस किए थे। तो यहाँ पे जनरली देखोगे कि टीम चेस करने वाली मैच को लॉस कर जा रहे हैं, और यहाँ पे गुजरात की टीम कई सारे मैच में 200 प्लस रन भी बनाए हैं। एक और मैच इसी सीरीज में हुआ है जो कि मुंबई के खिलाफ ही रन मारे थे, यहाँ पे भी 200 प्लस रन बना था और मुंबई की टीम चेस करने में 151 ही रन बना पाए थे और इसका भी 7 विकेट गिर गया था। तो यहाँ पे लगभग ज़्यादा हाई स्कोर रन बन जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बैटिंग के सपोर्ट में ज़्यादातर टीम बनाएंगे, लेकिन आपको प्लेयर के कंडीशन समझने होंगे स्टैट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से कि कौन से प्लेयर टॉप के हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं। तो इधर इन दोनों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो 4 हेड टू हेड मैच हुआ है, 3 मैच गुजरात विन किए हैं, 1 मैच चेन्नई विन किए हैं। चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर विन किए थे जो कि चेन्नई में मैच हुआ था, बाकी ग्राउंड पर गुजरात ही विन कर रहे हैं। वैसे इस ग्राउंड पर अहमदाबाद में वैसे ये मैच गुजरात के ही फेवर में रहेंगे, तो प्रेडिक्शन पे लगाते हो आप गुजरात के साथ जा सकते हो, इस मैच को विन करने वाले हैं गुजरात। जबकि चेन्नई के प्लेइंग 11 की बात करें तो कॉनवे के साथ गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, रहाने हैं शिवम दुबे, मोइन अली, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, टिराना, तिस्काना, देशपांडे और दीपक चहर, तो ये इनके प्लेइंग 11 हैं। और इस मैच में मैं थोड़ा सा इनके गुजरात के फेवर में जा रहा हूँ, तो गुजरात के चेन्नई के अगर आप स्मॉल लीग की टीम में तो स्मॉल लीग की टीम में आप चेन्नई की तरफ से 5 प्लेयर ही पिक कर सकते हैं, वैसे आप 6 प्लेयर भी पिक कर सकते हैं। कंडीशन बता देता हूं, यहां पे दीपक चहर और पतिराना ये 2 बॉलिंग सेक्शन से मैं प्लेयर लेने वाला हूं, जबकि बैटिंग सेक्शन से कॉनवे देखा जाए तो शमी के खिलाफ डोमिनेट करते हैं, वैसे जब मैं स्टैट दिखाऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा, लेकिन ये दोनों प्लेयर सेफ हैं, दोनों बड़े प्लेयर हैं, हेड टू हेड में गायकवाड़ का काफ़ी गजब का परफॉर्म है, तो दोनों के साथ जा सकते हो। तो यहां पे मेरा 4 प्लेयर हो गया, जबकि आप शिवम दुबे के साथ भी जा सकते हो, इनका इस ग्राउंड पे अच्छा
अच्छा परफॉर्म है, हेड टू हेड में भी ठीक ठाक है, लेकिन शिवम दुबे से ज़्यादा सेफ मोइन अली रहेंगे। मोइन अली इस मैच में बॉलिंग भी करने वाले हैं और जडेजा, तो वैसे टोटल मिलाकर 6 प्लेयर हो जा रहे हैं, तो कॉनवे, गायकवाड़ और जडेजा रहेंगे, और यहाँ पे पति राणा और दीपक चहर, तो ये 5 प्लेयर हैं। आप मोइन अली को भी ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में स्पेशल शिवम दुबे आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे। थिस्काना को इस मैच में मैं आपको मैं नहीं लेने वाला हूँ। आप देश पांडे को भी ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, तो ये 2 प्लेयर को आप स्पेशल ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। जबकि चेन्नई के प्लेयर के स्टैट की बात करें, कॉनवे है लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक ठाक है, तो आप अपने टीम में स्मॉल लीग में रख सकते हो। जबकि हेड टू हेड देखोगे तो 3 मैच में 46 ही रन बना पाए हैं और 15 का एवरेज है, तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्म ठीक नहीं है। जबकि वेन्यू में एक ही मैच खेले हैं और एक ही रन बनाए हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन बड़े प्लेयर हैं, अगर समी को रोक लेते हैं तो ये बड़ा पारी भी खेल जाएंगे, तो आप कुछ टीम में ड्रॉप करें और कुछ टीम में आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ये अगर परफॉर्म कर जाते हैं और ज़्यादा टीम में ड्रॉप करोगे तो फिर आपको लॉस लग सकता है, तो इसलिए ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, तो कुछ ही टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। गायकवाड़ है, काफ़ी गजब के परफॉर्म करते हैं और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी गजब का रहा है। हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्म है, यहाँ पे 4 मैच खेले हैं, 278 रन है, 69 का एवरेज है, और यहाँ पे वेन्यू में 1 मैच खेले हैं, 92 रन मारे हैं, 92 का एवरेज है, तो ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है। आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों जगह आप ट्राई कर सकते हैं। अगले प्लेयर की बात करें तो अजिंक्य रहाणे हैं, पूरी तरह से फ्लॉप है, स्मॉल लीग में टच मत करना। ग्रैंड लीग में आप एक आध टीम में ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड में एक ही मैच खेले हैं, 17 रन है, वेन्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। शिवम दुबे हैं, ये भी कुछ ही मैच में परफॉर्म किए हैं, वैसे प्लेयर अच्छे हैं और ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। हेड टू हेड में 4 मैच में 39 रन माने 10 का एवरेज है, जबकि वेन्यू में एक ही मैच खेले हैं, 19 का ही एवरेज है, तो आप इसको भी इग्नोर कर लेना, लेकिन ग्रैंड लीग कुछ टीम में ट्राई करना। अगले प्लेयर मोइन अली हैं, मोइन अली का भी रिसेंट फॉर्म ठीक नहीं है, वैसे भी बॉलिंग करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा सेफ ऑप्शन बन जाते हैं और बैटिंग भी लंबा पारी खेल जाते हैं, तो वैसे अभी तक इनका परफॉर्म आया नहीं है। 4 हेड टू हेड मैच खेले हैं, 54 ही रन है, वेन्यू में 1 मैच खेले हैं, 23 रन बना पाए हैं, तो इसीलिए उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। अंबाती रायडू की भी बात नहीं करेंगे, इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप जा रहे हैं, आप इग्नोर करके ही चलना। ग्रैंड लीग में एक आधे टीम में ट्राई कर सकते हैं। जडेजा है, जडेजा काफ़ी गजब के परफॉर्म करते हैं, लास्ट मैच में भी 22 रन प्लस 2 विकेट भी निकाले थे, उससे पहले भी 20 रन 1 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड में 3 मैच में 45 रन है और 4 विकेट है, वेन्यू में भी 1 मैच में 1 ही विकेट है, वैसे सेफ ऑप्शन है। ऑलराउंडर काफ़ी गजब के हैं, इनकी तरफ से दोनों तरफ से परफॉर्म आने की संभावना रहती है, इसलिए सेफ ऑप्शन है। जबकि धोनी है, ये भी फ्लॉप है, जबकि विकेट कीपर से कुछ पॉइंट दे देते हैं कैच करके या स्टंपिंग करके। हेड टू हेड में 3 मैच में 22 रन है, 11 का एवरेज है, वेन्यू में 14 रन है और 14 का एवरेज है, तो इनको भी ड्रॉप करके चलना, बैटिंग काफ़ी डाउन है। चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करते हैं और आप काफ़ी ग्रैंड लीग की रिस्की टीम बनाते हो, तो इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि धोनी का ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनकी बैटिंग इतना नीचे है कि इनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन जब जब मिलता है ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, यही रीजन है कि ग्रैंड लीग के पिक बनते हैं। स्मॉल लीग में टच भी मत करना। पति राणा है, पति राणा भी वैसे ही प्लेयर है, ये 2 विकेट 3 विकेट आसानी से निकाल जाते हैं। हेड टू हेड में 2 मैच खेले हैं, 4 विकेट है, वेन्यू का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये इस टीम इस प्लेयर को मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि ये लास्ट में 3 ओवर लगातार करते हैं तो डेथ में इनको विकेट भी मिलती है, तो इसीलिए मैं इनको रखा हूँ। वैसे इनके साथ दीपक चहर भी डेथ में करेंगे तो दीपक चहर भी आपके लिए सेफ रहेंगे। पति राणा को इस मैच में ज़्यादा फेवर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं थिस्काना को लेंगे, वैसे थिस्काना का भी ठीक ठाक परफॉर्म है, लास्ट के दोनों मैच में 2-2 विकेट निकालते आ रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर उतना ज़्यादा सपोर्ट पेसर स्पिनर को नहीं है। हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट है, तो आप चाहें रख सकते हैं ग्रैंड लीग में, लेकिन स्मॉल लीग के लिए सेफ नहीं है, इस ग्राउंड पे स्पिनर को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगले प्लेयर की बात करें, तुषार देश पांडे हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी गजब का बॉल कर रहे थे, 2 विकेट 3 विकेट आसानी से निकाल जा रहे थे, लेकिन बीच में ये फ्लॉप भी गए हैं, लास्ट के कुछ मैच में 1-1 विकेट निकाल रहे हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, वेन्यू में भी 1 मैच में 1 विकेट है, बाकी ऑल ओवर मैच देख ही सकते हो, तो इसको आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में टच मत करना। दीपक चहर हैं, दीपक चहर भी स्टार्टिंग में फ्लॉप जा रहे थे, 0-0 जा रहे थे, लेकिन लास्ट के कुछ मैच से ये लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी 2 विकेट 3 विकेट निकाल रहे हैं, तो स्मॉल लीग का तो पूरा सेफ ऑप्शन है ही, ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। और दीपक चहर ये हो सकता है कि जैसे सामने वाली टीम गुजरात का गिल है, जो कि काफ़ी सिलेक्शन रहेगा, सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, तो उनका ये विकेट निकाल सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में रिस्क लेते हो तो गिल को अगर ड्रॉप करने का तो आप दीपक चहर को जरूर ट्राई करना।
तो ये थे चेन्नई के प्लेयर के स्टेट। अब चलते हैं गुजरात के प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभम गिल के साथ रिधिमन शाह ओपनिंग करेंगे, साई सुदर्शन है, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, नूर अहमद और जसवा लिटिल। तो ये इनके प्लेयर हैं और ये आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिख सकते हैं जसवा लिटिल। वैसे इस मैच में भी इनको विकेट मिलने की संभावना रहेगी, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी अगर लेते हो तो आप इनको सेफ ऑप्शन में ले सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। और गुजरात को फेवरेट माना हो तो इनकी तरफ से 6 प्लेयर लेने वाला हूँ। वैसे शुभम गिल का इस ग्राउंड पर सबसे बेहतर रिकॉर्ड है तो इनको तो मैं रखूंगा ही और लगभग सभी लोग ट्राई भी करेंगे। रिधिमन शाह को ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर को आप चाहें तो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं 2 प्लेयर हार्दिक पांड्या और शुभम गिल के साथ जा रहा हूँ, मोहम्मद शमी, राशिद खान और यहाँ पे मोहित शर्मा के साथ जाऊँ। तो ये मेरा 5 प्लेयर रहेंगे। गुजरात की टीम चेस करते हैं तो आप शाह के साथ जा सकते हैं, तो ये आपके 6 प्लेयर रहेंगे। लेकिन पहले बैटिंग करते हैं तो या तो आप साई सुदर्शन या विजय शंकर या डेविड मिलर, तो ये 3 प्लेयर में कोई एक प्लेयर ले लेना, ज़्यादा सेफ रहेंगे कि डेविड मिलर को ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे डेविड मिलर। इस मैच में डेविड मिलर का बैटिंग आ जाएगा पिछली मैच के जैसा, ये नहीं कि साई सुदर्शन फिर से विकेट रोक देंगे, ऐसा नहीं है हर मैच में हो जाए, तो इस मैच में डेविड मिलर के साथ जा सकते हो। तो ये आपके 6 ऑप्शन जो कि सेफ है, आप ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं लेना। इनकी तरफ से प्लेयर के स्टैट की बात करें तो यहाँ पे शतक 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 3 शतक ठोक दिए हैं और एक मैच में 94 भी रन बनाए हैं। ये इसी ग्राउंड का परफॉर्म है तो इस ग्राउंड पे ये आंख बंद करके परफॉर्म करते हैं। हेड टू हेड में 12 मैच में 301 रन है, 27 का एवरेज है, तो ये हेड टू हेड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जबकि वेन्यू में 11 मैच में 630 रन है, 70 का एवरेज स्कोर है। तो यार काफ़ी गजब का इस ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं। इस मैच में भी आप स्मॉल लीग में कैप्टन के साथ जा सकते हो। साई सुदर्शन है, रिसेंट फॉर्म पूरी तरह से खराब है, सिर्फ एक ही मैच में 81 रन बने हैं, लगभग सभी मैच में फ्लॉप ही गए, हेड टू हेड में भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। आप देख सकते हो कि 14 मैच खेले हैं और 29 का एवरेज है, वेन्यू परफॉर्मेंस इनका ख़राब है। अगले प्लेयर की बात करें, साई सुदर्शन है, बीच बीच में ये ठीक ठाक परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट है और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। अगर चेस करते हैं तो आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो शुभम गिल और साई सुदर्शन को रख कर। तो ये आपके लिए डिफरेंशियल टीम बनाने का काम करेंगे। हेड टू हेड में एक मैच खेले हैं, 22 रन है, जबकि वेन्यू में 5 मैच में 185 रन है और 37 का एवरेज स्कोर है। हार्दिक पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या का भी उस तरह से कोई परफॉर्म अभी तक आया नहीं है जिस तरह से इनका नाम है। वैसे हेड टू हेड में भी ये भी 4 मैच खेले हैं, 87 रन है और 24 का एवरेज है, जबकि साथ में 8 विकेट भी है। वेन्यू में 8 मैच में इनका 203 रन है और यहाँ पे 34 का एवरेज है। तो वेन्यू कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को काफ़ी सपोर्ट करता है और यही रीज़न है कि आप स्मॉल लीग में इनके साथ कैप्टन जा सकते हो अगर रिस्क लेते हो। वैसे आपके सभी ओपोनेंट के साथ जो गिल होंगे उनको ही कैप्टन बना कर लाएंगे, लेकिन दीपक चहर कहीं ना कहीं उनको परेशान करने वाले हैं। तो या ऐसा होगा कि ग्रैंड लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो। इनका सिलेक्शन काफ़ी घट गया है क्योंकि लास्ट के कुछ मैच में ये परफॉर्म ही नहीं दे पाए हैं। उसके बाद विजय शंकर है, विजय शंकर का भी वैसा ही है, ये बीच बीच में ही परफॉर्म देते हैं, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, ये कभी भी ग्रैंड लीग के हिस्सा बन जाते हैं। तो हेड टू हेड 8 मैच में 176 रन है, 29 का एवरेज है, वेन्यू में 4 मैच में 115 रन है, तो काफ़ी 13 का एवरेज है। तो ये फ्लॉप चले जाते हैं वेन्यू में, वैसे हेड टू हेड ठीक है तो आप रख सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। डेविड मिलर हैं, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डाउन है, वैसे रिसेंट फॉर्म भी ठीक नहीं है, एक दो मैच में परफॉर्म करने का मौका भी मिला है लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पाए। वैसे हेड टू हेड 13 मैच खेले हैं, 368 रन है, 37 का एवरेज है, जबकि वेन्यू में 7 मैच में 154 रन है और 38 का एवरेज है। तो काफ़ी गजब के बैट्समैन हैं। इस मैच में उम्मीद करते हैं कि इनका परफॉर्म आएगा और मैं शुभम गिल और डेविड मिलर और साई सुदर्शन, ये तीन बैट्समैन को लेता हूँ तो डेविड मिलर को भी ले लूँगा। अगले प्लेयर राहुल तेवतिया हैं जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हैं, राशिद खान हैं, इसमें भी पूरी तरह से कंसिस्टेंसी है, 2 विकेट आराम से निकाल देते हैं। वैसे इस ग्राउंड में उतना ज़्यादा स्पिनर को सपोर्ट है नहीं, एक विकेट तो आपको आसान से निकाल कर दे ही देते हैं। हेड टू हेड में 14 मैच में 14 विकेट है और वेन्यू में 9 मैच में 14 विकेट है, तो वेन्यू इनको सूट करता है। वैसे ये ऐसे बॉलर हैं कि किसी भी ग्राउंड में विकेट निकाल जाते हैं। मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी का भी काफ़ी गजब का परफॉर्म है, लगातार विकेट निकालते आ रहे हैं और इस ग्राउंड पे कई सारे मैच में 4-4 विकेट भी निकाले हैं। तो इसीलिए और हेड टू हेड में भी देखोगे 13 मैच में 13 विकेट है और वेन्यू में 12 मैच में 20 विकेट है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि वैसे तो ये ग्राउंड बॉलर को सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन जो भी विकेट मिलते हैं ज़्यादातर पेसर बॉलर को ही मिलते हैं। बैट्समैन इस ग्राउंड के लिए सब सेफ रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन
ग्रैंड लीग में आप मोहम्मद शमी को बना सकते हो। मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा का भी वैसा ही है, क्या गजब का परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट के मैच में भी इसी ग्राउंड पे 5 विकेट लिए हैं, उससे पहले भी एक मैच में इसी ग्राउंड पे 4 विकेट लिए हैं, बाकी 2 विकेट 1 विकेट इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये लास्ट में 3 ओवर करते हैं, तो इसलिए इनको विकेट मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और हेड टू हेड में भी 3 मैच में 4 विकेट है और वेन्यू में 6 मैच में 17 विकेट है, तो वेन्यू इनको काफ़ी सूट करता है और यही रीज़न है कि ये आपको ट्रम्प कार्ड का काम करेंगे। लेकिन इस मैच में इनका सिलेक्शन भी काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो 2-5 विकेट निकाले हैं वो सभी के नज़र में रहेंगे, इसलिए इस मैच में सेफ ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए हो जाते हैं। नूर अहमद है, ये भी ठीक ठाक प्लेयर हैं, लेकिन बीच बीच में ये फ्लॉप भी गए हैं और इस ग्राउंड पर इनका उतना कोई खास है नहीं। हेड टू हेड में 1 मैच खेले 1 विकेट है, वेन्यू में 6 मैच में 5 विकेट है। स्पिनर को सपोर्ट नहीं है, इग्नोर कर देना। सेकेंड में अगर गुजरात की टीम बॉल कराते हैं तो आप उस कंडीशन में ले सकते हो, लेकिन इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं तो स्मॉल लीग के लिए सेफ होते नहीं है, अब ड्रॉप कर देना। अगले प्लेयर जोशुआ लिटल है, जो कि इस मैच में भी उम्मीद है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ही खेलेंगे, वैसे स्मॉल लीग के लिए ये भी सेफ नहीं है, लेकिन इनको विकेट मिलने की संभावना रहेगी। शुभम दुबे और मोइन अली दोनों को ये आउट कर सकते हैं, तो ये हो सकता है कि नूर अहमद की जगह पर जोशुआ लिटल को ही खिला दिया जाए, तो फिर ये प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, या लेते हो तो जोशुआ लिटल को फिर से ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो दोनों टीम के प्लेयर के स्टैट के बारे में लगभग अब समझ गए हो। अब चलते हैं टीम पे। स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो स्मॉल लीग में लगभग लोग 45-50% लोग शुभम गिल को ही कैप्टन बनाएंगे, तो आप भी सेफ जाना चाहो शुभम गिल को कैप्टन बना देना और जडेजा को वाइस कैप्टन। आप हटकर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहो तो हार्दिक पांड्या और गायकवाड को वाइस कैप्टन बना देना, साथ में मोहम्मद शमी भी वाइस कैप्टन का इस मैच में ऑप्शन रहेंगे, आप शमी के साथ भी जा सकते हो। जबकि ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में भी वैसा ही उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉनवे पे रिस्क लिया हूँ एक प्लेयर ड्रॉप करके, बाकी शिवम दुबे को अपने टीम में रखा हूँ, बाकी लगभग प्लेयर ठीक बराबर ही हैं। जबकि अगर काफ़ी रिस्की ग्रैंड लीग की बात करूँ तो यहाँ पे कॉनवे और गिल दोनों बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया हूँ, अगर ये दोनों प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, कॉनवे को समी और दीपक चहर गिल को आउट कर देते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर ये आपकी टीम रॉकेट के जैसा काम करेगी, क्योंकि इनमें बहुत बड़ा रिस्क है। और यही रीज़न है कि हमने दुबे को वाइस कैप्टन और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया है। इस ग्राउंड पे हार्दिक पांड्या घिस के ये अच्छा स्कोर बना जाते हैं, तो इसलिए कैप्टन बनाया हूँ, और बॉल भी करने वाले हैं तो विकेट मिल सकते हैं। पिछले मैच में भी बॉल कराए थे लेकिन विकेट नहीं मिला था, इस मैच में उम्मीद रहेगा विकेट मिलने का। वैसे तो फिलहाल के लिए मेरी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की इनिशियल टीम है, जिससे आप टीम ज्वाइन कर सकते हो। फाइनल टीम टॉस के बाद मिलती है, जहां आपको पिच रिपोर्ट के साथ टीम मिलती है और पिच रिपोर्ट भी शेयर किया जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, बिना ज्वाइन किए तो इसलिए आपको टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा, जाओ और ज्वाइन हो जाना। ओके, थैंक यू।